नमस्कार, देश विदेश सहित पूर्व प्रथमे हेडलाइंस। कांग्रेस मुखा खोलिले निजे कांग्रेस सांसद, निज पुस्तक 10 फ्लाश पॉइंट 20 ईयर रे कांग्रेस ऊपर उठाइले प्रश्न, कहले मुंबई आक्रमण जवाब न दे निज दुर्बलता दर्शाइथिला कांग्रेस। सेपटे बीजेपी टार्गेट यह कांग्रेस विफलतार स्वीकारोक्ति। पेट्रोल डीजेल मूल्य नियंत्रण करने को केन्द्र योजना, इमरजेन्सी रिजर्वर 5 मिलियन ब्यारेल अशोधित तैल बजार को छाड़ योजना, पदक्षेप द्वारा तैल मूल्य ह्रासर संभावना। ओडिया पु सुबेदार नुदुराम को मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान, ओडिशा पुलिस सुधीर टुडू और देवाशीष सेठी को मरणोत्तर शौर्य चक्र सम्मान, ओडिया पु लेफ्टनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती को परम विशिष्ट सेवा पदक। गलवान संघर्ष में शहीद सैनिक मानू सम्मानित कले राष्ट्रपति। भारतीय रेलवे को उपहार, भारत गौरव ट्रेन घोषणा कले केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, 190 ट्रेन आवंटित, पर्यटन को प्रोत्साहित करने नुआ उच्चतार पहुंचाइवा लक्ष्य। ममिता मेहर प्रसंग, नियारे घिओ ढाले पूर्वतन मंत्री दामोदर राउत नीति और नैतिकतार कथा कही दामों तेरेछा बाण, राज्य सरकार को टार्गेट कले विरोधी। विधानसभा प्रश्नकाल बेले हो हल्ला करें विरोधी, बाचस्पति इशारा पर विरोधी शिविर में कंपन, विरोधी स्वर चापा को उद्यम। सरला बीजेपी पदाधिकारी बैठक, पंचायत निर्वाचन पर रणनीति प्रस्तुत, स्थान पाइला अनेक संवेदनशील प्रसंग, आसंता काली बीजेपी राज्य कार्यकारी बैठक। देखवा संपूर्ण खबर। कांग्रेस मुखा खोलिले निजे कांग्रेस सांसद, 2008 मुंबई आक्रमण पर पाकिस्तान उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण न करिबा कुनी मनमोहन सरकार को टार्गेट करिसेंती कांग्रेस सांसद तथा पूर्वतन केन्द्रमंत्री मनीष तिवारी। मनीष तिवारी निज पुस्तक पूर्वर कांग्रेस सरकार उपरे प्रश्न उठाई लिखिसेंती मुंबई आक्रमण पर पाकिस्तान विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण न करि निज दुर्बलता को दर्शाइथिला कांग्रेस। मनीष तिवारी निज पुस्तक 10 फ्लाश पॉइंट 20 ईयर रे प्रश्न उठाई लिखिंटे 26/11 आक्रमण पर देश को त्वरित एवं कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करार आवश्यकता थिला। मनीष लिखिंट गोटे समय थिला जेतेबेले कार्यानुष्ठान शब्द ठारु अधिक कथा कहे, 26/11 से ही समय थिला जेतेबेले पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला। केवल इतिक नुहे, मनीष तिवारी मुंबई आक्रमण तुलना अमेरिकार 9/11 सह करि सही समय रे भारत को मध्य अमेरिका पर पलटा जवाब देवार आवश्यकता थिला बोली निज पुस्तक लिखिछंती। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना गलत होगा कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सच्चाई तो ये है कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ठोस हो या ठोस ना हो। तो कार्रवाई जब होती नहीं है तो ये कहना कि वो कार्रवाई ठोस थी या नहीं थी, वो मैं समझता हूँ वो इस प्रकार से सही नहीं है। अगर हम उस समय पर सख्त कदम लेते, और ये कदम सिर्फ मिलिट्री कदम नहीं होते हैं, ये नहीं कि भाई ये सिर्फ बॉर्डर के ऊपर हम कोई एक्शन लें, ये एक्शन जो है ये पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक, ये पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं सबको एक साथ मिला के ये एक्शन लेना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि बहुत सालों से भारत पाकिस्तान के विरुद्ध इस प्रकार के एक्शन नहीं ले रहा था। तो ये बाद में जब सरकार बदली है तो दो प्रकार के ऑप्शन ये ऑपरेशन हुए। जब पाकिस्तान ने अपनी हरकतें टेररिज्म की छोड़ी नहीं, पहला तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और दूसरे उसके बाद फिर एक एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट में। मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये डेटरेंट इफेक्ट उसके बाद हुआ है, अभी तक भी पूरी तरह से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप एक बड़ी क्लियर मैसेज
पाकिस्तान को नहीं देते हैं, ये ऐसा मुल्क है कि वो सुधरेगा नहीं। तो जितनी आप इसको बड़ी सफाई के साथ या समझा सकते हैं कि टेररिज्म अगर आप करोगे भारत के विरुद्ध, तो इसका जवाब जो है बहुत महंगा पड़ेगा आपको, और ये साबित करके दिखाओ, तब जाके फिर ये डिटरेंट होगा। और ये मनीष तिवारी जी ने एक जो अपने किताब में लिखा है, मैं समझता हूँ ये बहुत सच्चाई है। मुंबई आक्रमण पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बयान पर, मुंबई आक्रमण पर मनीष तिवारी बयान पर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को टार्गेट करी बीजेपी। बीजेपी राष्ट्रीय मुखपत्र गौरव भाटिया कहते जे मनीष तिवारी लिखि पुस्तक किसी भी भूल टिप्पणी करेस विफलतार स्वीकारोक्ति सहित से कहते आज स्पष्ट होगला जे कांग्रेस जो सरकार अकामी थी राष्ट्र सुरक्षा परि प्रसंगे भारत अखंडता प्रति चिंता नथिला। ओवरऑल 26/11 हो और जो घटना घटते थे उस टाइम हाउ इट वाज हैंडल्ड द कंट्री नोज दिस। आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज द इश्यू ऑन टेररिस्ट इश्यू। द पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड द टेररिज्म। ये जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। पूर्णी कमी पारे पेट्रोल डीजेल मूल्य, खूब शीघ्र अशोधित तैल मूल्य ह्रास देखा मिली पारे। केंद्र सरकार निजर इमरजेन्सी रिजर्व रु 5 मिलियन ब्यारेल अशोधित तैल तेल बजार को छाड़ा निष्पत्ति जमापड़ सरकार को पदक्षेप द्वारा अशोधित तैल मूल्य ह्रास होबार रही संभावना। भारत पाखे 38 मिलियन ब्यारेल अशोधित तेलर रिजर्व रही जहाँ पूर्व एवं पश्चिम कोस्टल एरिया रे अंडरग्राउंड स्टोर कर रखा जाए जो 5 मिलियन ब्यारेल तेल आसंता 7 रु 10 दिन भितर बजार को छड़ा। केंद्र सरकार निजर स्ट्राटेजिक रिजर्व रे गच्छित कर रखी मांगालोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को बिक्री करेंगे जहां रिफाइनरी ए रिजर्व गुड़िक पाइप लाइन जोगे संजोग हो। भारतीय रेलवे लगातार नुआ नुआ योजना अपणाई जनतांको यात्रा को लाभ देउछे। एहार भितरे आज पुणी एक बड़ घोषणा करिछंति केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। देशरे पर्यटन पाई भारत गौरव ट्रेन आरंभ करिबा नै घोषणा करिछंति केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। एथिपाई 190 टी ट्रेन आवंटित करा जाइछे। भारत गौरव ट्रेन संस्कृति एवं ऐतिह्य थीम उपर आधारित हेबो। भारत गौरवर परिचालना घरोई एवं IRCTC उभय द्वारा करा जिवो। केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव कहते यहाँ रेगुलर ट्रेन सर्विसेस परी हेबो नुहे। भारत गौरव ट्रेन रा मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने सह एहाको एक नुआ उच्चतारे पहुंचाइबा। मीनिंगफुल रोल इन इंडियन सोसाइटी, सो फार इट हैज मेड अ वेरी बिग डिफरेंस इन द वे बेनिफिट्स आर ट्रांसफर्ड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर एडमिनिस्टर्ड, वेलफेयर प्रोग्राम्स। मेनी मोर सच applications can be thought of on the core of Aadhaar. That's the purpose of this workshop. Can we think of electricity? Can we think of international standards? Can we think of having an international identity standards society in India? Can we think of many more technologies to be developed in India? Can we make it more affordable? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गलवान संघर्ष रे शहीद सैन्य मानंकु वीरत्व सम्मान रे सम्मानित करिसेंते।
ओडिया पुओ सुवेदार नुदुराम को मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान सम्मानित नुदुराम गलवान घाटी में चीन सेना सहित लड़ी शहीद होते ओडिया पुलिस ओडिशा पुलिस सुधीर टुडु और देवाशीष सेठी को मरणोत्तर शौर्य चक्र सम्मान में सम्मानित कलाहांडी जिले में माओवादी मुकाबले हर जीवन सेपरी असाधारण वीरत्व और पराक्रम पर अति विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान करा भारतीय सेनाओं की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिए स्वर्गीय नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी मणि सोरेन। ओडिया पुओ सुबेदार नुदुराम को मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान गलवान घाटी रे चीन सेना सह लड़ी होते शहीद ओडिशा पुलिस सुधीर टुडु देवाशीष सेठी मरणोत्तर शौर्य चक्र सम्मान में सम्मानित कलाहांडी जिले में माओवादी मुकाबला रे हराइथिले जीवन गलवान हीरो शहीद संतोष बाबू को मरणोत्तर महावीर चक्र असाधारण वीरत्व पाई गलवान रा शहीद मानंकु मरणोत्तर वीरचक्र सम्मान अद्वितीय पराक्रम पाई सुबेदार संजीव कुमार को मरणोत्तर कीर्ति चक्र सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गलवान संघर्ष रे शहीद सैनिक मानंकु वीरत्व सम्मान रे सम्मानित करिछंती ओडिया शहीद सेना अधिकारी नायब सुबेदार नुदुराम सोरेन को आज मरणोत्तर वीर चक्र रे सम्मानित करा जायछि। मयूरभंज माटी रो गर्व गौरव और साहसी पुओ शहीद नुदुराम को तांका सर्वोच्च बलिदान पाई आज राष्ट्रपति भवन रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीर चक्र रे सम्मानित करिछंती। एही वीर शहीद का वीर चक्र सम्मान तांका पत्नी लक्ष्मी सोरेन राष्ट्रपति ठारु ग्रहण करिछंती। गत वर्ष नुदुराम गलवान घाटी रे ऑपरेशन लियोपार्ड समय रे वीरत्वर सह चीन सेना को सह लड़ी शहीद होइथिले। पापा फोन आछिला मते पचाले घरे किए अछंती बोली आज्ञा माने तमे एका अछो कि आउ जणे अछंती तो मु कहली आमे छुआ सहित मु एका अछि आउ मते आउ किछि कहिलेनि तापरे मु पचाल बहुत कहिली जे कौन हैला बोली तापरे मु भाई मानको फोन कली जे एमिति फोन आस्तिला जे कौन हैला बोली मते तो किछि जणैलेनि बोली आउ मु से मानको से नंबर टा को मु देली तो भाई माने पचारला तो से मानको कहिले आउ एमति हेई खबर हेई बोली आउ से मानको जणा पडला जे एमति घटना हे जाई छी बोली आउ मते केहि कहिलेनि। कलाहांडी जिले रे घंच जंगल अंचल रे माओवादी मानक सहित घमाघट मुकाबला रे जीवन हराइतिबा ओडिशा पुलिस कमांडो सुधीर टुडु और देवाशीष सेठी को मरणोत्तर शौर्य चक्र रे सम्मानित करा जायछि। मो पुओ मुई बहुत कष्ट बहुत दुख करी मुई पाठा साठा पढ़ाए करी पाठा पढ़ाई थी बाप है सम्मान आज तो आज मो पुआ आज बलिदान दे न गलवान हीरो शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोत्तर महावीर चक्र प्रदान करा जायछि। गलवान संघर्ष बेले कर्नल संतोष बाबू भारतीय सेना दल नेतृत्व नहीं अतुलनीय वीरत्व प्रदर्शन करथिले। सेही परी गलवान संघर्ष बेले शहीद होइतिबा हवलदार के पिलानी सिपाही गुरतेज सिंह और नायक दीपक सिंह को मरणोत्तर वीर चक्र प्रदान करा जायछि। 2020 जून 15 रे होइतिबा गलवान संघर्ष रे 20 जन भारतीय सैनिक शहीद होइतिले। सेही परी असाधारण वीरत्व और पराक्रम पर अति विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवार मेडल प्रदान करा जायतिला। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। स्थलसेना उपमुख्य लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती को परम विशिष्ट सेवा पदक ओडिया पुओ चंडी प्रसाद महांती एवं स्थलसेना उपमुख्य भाव दायित्व तुलाउछन्ते। आज एक स्वतंत्र उत्सव में परम विशिष्ट सेवा पदक सहित सम्मानित करिछन्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सेनारे निज कार्यपाई सम्मान में सम्मानित कर
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेराडून नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला एवं इंडियन मिलिटरी एकेडमी डेराडून सफलता पूर्वक निजर शिक्षा और तालीम शेष कलापर लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती को 12 जून 1982 रे राजपूत रेजिमेंट रे नियुक्ति करा जायतिला। निजर दीर्घ 4 दशंधिर कार्यकाल मध्ये भारतीय स्थलसेनार जड़े दक्ष जनरल भाव अत्यंत दायित्व संपन्न भाव कार्य तुलाइवा सह देशर अखंडता को अक्षुण्ण रखापी निरंतर भाव कार्य कर आसी। आपण देखुछन्ति देश विदेश समहिचे कवरेज रहा ब्रेकफास्ट स्वागत। शिक्षा अनुष्ठान रे कोरोना भय स्कूल कॉलेज रे माड़ुछी संक्रमण भीमसा रे 29 छात्र छात्री कोरोना पॉजिटिव सुंदरगढ़ छात्र निवास रे 50 रु अधिक छात्र छात्री पॉजिटिव जहाँकि एवं चिंतार कारण पलटिछे। संक्रमण कमिबा परे पर्यायक्रमे स्कूल कॉलेज खोलीथिला मात्र एवं संक्रमण बढ़ुथिबारु मुकाबला करिबा सरकारक पई चैलेंज पलटिछे। शिक्षा अनुष्ठान रे पसिला कोरोना भीमसारे 29 छात्र छात्री कोरोना पॉजिटिव सुंदरगढ़ छात्री निवास रे कोरोना आतंक 50 रु अधिक छात्री पॉजिटिव भीमसार एमबीबीएस प्रथम वर्षर 29 छात्री पॉजिटिव चिन्हट होती समस्त आक्रांत को कोविड हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछे। पॉजिटिव कर कांटेक्ट ट्रेसिंग चलीछे तेबे सबुठ बड़ कथा हेउछि आक्रांतक संख्या आगकु बढ़िबार संभावना रहिछे। एने सूचना देइछंती भीमसार मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर जयश्री कर पिता भीमसार रे हमरो माने 2 दिन भितरे 40 रो 45 टा पिला आक्रांत होइछंती कोविड रे आउ सेटा जमे रैपिड एंटीजन टेस्ट रो जानि परछु कि से माने कोविड पॉजिटिव होइछंती। एबे एग्जाम होबार थिला हमरो पिलांकर माने जोटा हमरो ऑफलाइन मोड रो होबार थिला सेरा बाध्य होइ गरे ऑनलाइन मोड को ट्रांसफर करा जाइछ। 3 दिन तळे बथे गोटे पिला पॉजिटिव बाहरला फर्स्ट एमबीबीएस रो जाने ताकु हमें माइल्ड सिम्टम तांकर थिला बेसी सिम्टम भी नाही ताकन हॉस्पिटल रे रखी थिलु तार कांटेक्ट अनुसार खाली 22 जन लेडीज माने अफेक्ट होइछ। सुंदरगढ़ छात्री निवास रे पसिला कोरोना सुंदरगढ़ सेंट मेरी बालिका उच्च विद्यालय रो छात्री निवास रे रहुथुबा 53 जन छात्री पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ती। एहा परे छात्री निवास रे रहुथुबा समस्त छात्री को परीक्षा कराजिबा सो चिन्हट होइथुबा 53 जन को संगरोध रे रखा जाइछे। स्कूल रो षष्ठ सप्तम और अष्टम श्रेणी को आसंता शनिवार पर्यंत सस्पेंड करा जाइछे। काली भी किजे टेस्ट पई जाइतिल त 51 आसला परे सेमन को सेग्रीगेट कराइछे अदर पिलांग संगे मिसबा पई दियाउनी और सेपरेट टॉयलेट एंड सेपरेट किचन पई हमर हेडमास्टर को डाकी दिलि म काली एंड बाकी पिलांग को पई भी से नेसेसरी अदर क्लास से सस्पेंड करबा पई तांको परमिशन दियाइछे एंड तांको मध्ये 10 डेज रो मेडिकल टीम मध्ये तांर क्लोज ऑब्जर्वेशन रे रखी जंदी 10 डेज रो मेडिसिन खाइबे से रिपोर्ट सब को देखिले हमर केमति रिपोर्ट अछि ऑल डिटेल्स रिपोर्ट तापर आगर भी तो तांको सहित चर्चा हेतिला तापर कहिले क्लास 6 टू 8 सस्पेंड करिवा लागे जेमति कि क्लास 10th और 9th पिला पने सफिशिएंट प्लेस पाइबे और समानकर क्लास चलिबो टीचर्स विल कम एज यूजुअल ते पुंटा छुआ जेहेतु अफेक्टेड हेलेनी सेटा अभिभावक महल रे भी हमको डर लागुची ये छुआ केंदी माने ठीक ठाक रहबे आ स्कूल माने कोरोना रो जो गाइडलाइन अछि ताकू प्रॉपर वे रे मानिबा कथा आ प्रशासन मध्ये एथि ए मझी रे ढिला हि जेछि से मध्ये गुटे स्क्वाड तयारी करी कि केंदी सेटा पालन हबो ताकू देखिबा कथा। कोरोना संक्रमण सामान्य ह्रास पाइबा परे स्थिति स्वाभाविक हेबाकू लागिथिला पर्यायक्रमे खोलिथिला स्कूल कॉलेज मात्र धीरे धीरे शिक्षानुष्ठान रे संक्रमण उपर मुहा हेबार लागिछे जहाँकि सरकार चिंतार कारण। संबलपुर बुर्लारु ज्योति नंद और सुंदरगढ़ रु कैमरामैन उपेन्द्र महाराणा सह सागर पट्टनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जाजपुर दानगदी ब्लॉक अंतर्गत मंगलपुर पंचायत नुआगा खरड़ी ठारे जंगल जमीन पंचायत भवन निर्माण को ग्रामवासी विरोध पंचायत भवनटी गत जानुरी मसने जंगल जमी किसम बेआईन भाव निर्माण हो जंगल जमी को ब्लॉक रिपोर्ट और तहसील रिपोर्ट आधार कर डीएफओ केवल कम्युनिटी सेंटर निर्माण करने सर्भे किसम पर अनुमति देते केवल कम्युनिटी छड़ा उक्त जमीन आउ कौन प्रकल्प निर्माण नक
ଡିଏଫଓ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାତିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନାହିଁ, ଖରଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଜବରଦସ୍ତି ଅଫିସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଯେଉଁଠି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନ ହେବା କଥା ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ସେଇଟା ଖରଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ହେଉଛି, ସେଠି ଭବନ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ସେଠି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ଏମଏଲଏକୁ ବି ଆମେ ପୁରା ଘେରାଉ କରିବୁ। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେଇଛି ଯେ ସବୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚେତାବନୀ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ମଣିଷ, ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସମୟ ସହ ବଦଳିଛି ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସୀମିତ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସହଜିଆ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ। ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସବୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚେତାବନୀ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ, ଚିନି ଓ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି ତାହା ସୂଚା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରିରେ ବ୍ୟାଘାତର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଗଠନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଯେମିତିକି ବ୍ରାଜିଲ, ପେରୁ, ଚିଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ବାବଦରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ଡବା ବାହାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତାବନୀ ଲେଖିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। WHOର ଏକ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ବାର୍ଷିକ 4.1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ 70% ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ସେବନ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହେଉଛି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୁଡ୍ ଲେବଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଚିନି ବା ଲୁଣ ରହିଛି, ଏହା କେତେ ପରିମାଣରେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଘାତକ ତାହା ଗ୍ରାହକମାନେ ଜାଣି ରଖି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିବା ଉଚିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ କେଇଟ ରଖୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।